सो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ एशिया टेलीकॉम टीम से, और ये जो एशिया टेलीकॉम है ये आपको पढ़ाता नहीं है, सिर्फ पढ़ाने की गारंटी देता है। ये एकमात्र वर्ल्ड का ऐसा ही इंस्टीट्यूट है जो पढ़ाने की आपको गारंटी देगा, सिर्फ पढ़ाएगा ही नहीं। तो सिंपली हम आ जाएंगे हमारे कोर्स पे। ये जो कोर्स है मोबाइल सॉफ्टवेयर सीरीज कोर्स, ये वर्ल्ड प्रीमियम कोर्स आपको जो देने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर के लिए। आपको इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा सारी अपडेट्स के लिए। ये क्लास जो रहने वाली है प्रीमियम क्लास, आपको फ्री में रहने वाली है। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक जो रहेगा आज का, डे वन का रहने वाला है, ये सीपीयू आइडेंटिफिकेशन का टॉपिक रहने वाला है। इसमें हम आज पता लगाएंगे कि मोबाइल सॉफ्टवेयर में सीपीयू का क्या महत्व है, सीपीयू कितना काम में आता है, क्या यूज़ है सीपीयू का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के सीपीयू दिख रहे होंगे, और मेरे पास कुछ मॉडल भी है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो जैसे मेरे पास पहला मॉडल है रेडमी का 6 है। अब मेरे पास तो ये मॉडल पैक आया, और आप फ्रेशर हो, आप एक्सपीरियंस नहीं हो, आपको पता नहीं है कि 6 में कौन सा सीपीयू आता है या फिर कौन सा चिपसेट आता है, तो आप कैसे देखेंगे। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो ब्राउज़र आता है वो ब्राउज़र ओपन कर लेना है। वहाँ पे सर्च करना है आपको अपना पर्टिकुलर मॉडल, जैसे मेरा रेडमी का 6 है, तो मैं रेडमी 6 सर्च कर लिया। अब 6 के बाद यहाँ पे सिंपली आपको एक चीज़ लिखना है, GSM अरिना। GSM अरिना सर्च करने के बाद ये जो आपको फर्स्ट साइट दिख रही है इस पे क्लिक करना है। GSM अरिना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मोबाइल का ब्रांड से मोबाइल की सारी डिटेल आपको दिखा देगा। तो हम चले विजिट करते हैं वाली साइट को। तो जैसे हमारा मॉडल है रेडमी 6 है, तो यहाँ पे आपको कई सारे दिख रहे होंगे ऑप्शन, जैसे टेक्नोलॉजी, अनाउंस, स्टेटस, डायमेंशन, बॉडी, डिस्प्ले, प्लेटफॉर्म, मेमोरी वगैरह। तो हमें मेन चीज़ जो देखना है इसमें, हमको फ्लैशिंग करने के लिए मेन चीज़ जो यूज़ होने वाली है, हमारा प्लेटफॉर्म का सेक्शन यूज़ होने वाला है, जिसमें कि हमें पता लगेगा कि हमारा चिपसेट कौन सा है। हमारा चिपसेट जो है वो मीडियाटेक चिपसेट है। तो हमें सिंपली जो हमारा टूल रहेगा वो और सारी चीज़ें रहेगी, हमें ड्राइवर रहेगा, सारा मीडियाटेक के हिसाब से करना है। तो हम जैसे मीडियाटेक का सीपीयू तो हम यूज़ करेंगे एसपी फ्लैश टूल, यूएमटी, एमटीके, तो ये सब टूल यूज़ कर सकते हैं। देन सेकंड आ गया क्वालकम का सिस्टम। क्वालकम में हमारे पास है वीवो का V15 Pro। तो अब मुझे तो पता नहीं है, मैं भी फ्रेशर हूँ, तो अब हम V15 Pro का भी आपको चेक करके दिखाएंगे। सिंपली इसको ब्राउज़र पे जाना है, सेम आपको सर्च कर लेना है वीवो V15 Pro। सिंपली वीवो V15 Pro सर्च करने के बाद आपको यही जो पहली लिंक मैंने आपको बताया GSM अरिना का, ये वाला लिंक, इस पे ही आपको क्लिक कर लेना। तो मैं क्लिक करके ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद आपको सेम यहाँ पे भी अलग अलग तरह के ऑप्शन मिलेंगे। ये आपको पूरी फ़ोन की एक एक तरीके से आप समझे तो आपको पूरी डिटेल बता देता है कि आपको क्या क्या फ़ोन में क्या रहता है, डायमेंशन रहते हैं, मतलब डिस्प्ले के बारे में पता चलता है कि इसके अलावा फ्लैशिंग के अलावा या फिर अगर दूसरा भी काम करना चाहते हैं, हार्डवेयर काम करना चाहते हैं, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी अगर आप फ्रेशर है तो। तो ठीक है, हम यहाँ पे हमारा जो सेक्शन है प्लेटफॉर्म सेक्शन, यहाँ पे हम चले जाएंगे। और यहाँ पे जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे सीपीयू आपको मेंशन किया हुआ क्वालकम स्नैपड्रैगन। तो क्वालकम स्नैपड्रैगन मतलब क्वालकम का सीपीयू। तो सिंपली आपको को जो उसके लिए अपना फ़ोन अनलॉकिंग या फ्लैशिंग जो भी का आप करना चाहते हैं वो करने के लिए आपको क्वालकम के टूल्स, ड्राइवर्स इंस्टॉल करने होंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, क्वालकम में आपको जैसे UMT अगर आप यूज़ करते हैं तो UMT QCifier आप यूज़ कर सकते हैं, और एक जो फ्री टूल आता है क्वालकम का QFIL, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो कई सारे टूल रहते हैं, और इसमें ड्राइवर भी आपको क्वालकम के इंस्टॉल करना होंगे, तभी आप इसमें काम कर पाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक और फ़ोन है, ये रेडमी का 8 है। अब 8A के बारे में भी जानकारी नहीं है मेरे को, कैसे सर्च कर पता लगाऊंगा। तो सिंपली हमको सेम प्रोसेस करना है, अपना मॉडल नंबर डालना है,
मैं आपको सेम चीज़ बार बार करके, आप सोच रहे होंगे कि सेम चीज़ बार बार करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ऐसे टेलीकॉम बिलीव करता है कि आपका जितना प्रैक्टिस हो, जितना प्रैक्टिकल आपको चीज़ें करके दिखाएं, मतलब प्रैक्टिकली ओपन करके दिखाएं, आपको मॉडल दिखाएं, उस पर विश्वास करता है आपको। ऐसा नहीं कि थ्योरिकल मैं जस्ट बता दूं कि आपको साइट पे चले जाना है और डाउनलोड कर देना है, ये ऐसी चीज़ों पे ऐसे टेलीकॉम बिलीव नहीं करता। ऐसे टेलीकॉम बिलीव करता है प्रैक्टिकलिटी पे। तो जैसा कि आपको थर्ड मॉडल भी मैंने सर्च करके बता दिया कि रेडमी 8 है, जिसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमें आप इधर भी सेम सारी डिटेल मिल जाएगी आपको, और सिंपली हमारे जो सेक्शन है प्लेटफॉर्म वाला सेक्शन, वहाँ पे चले जाना है। अब यहाँ पे कौन सा सीपीयू दे रखा है, क्वालकम का स्नैपड्रैगन। तो हमें गाइस क्या करना है, हमारे जो टूल है वो क्वालकम के डाउनलोड करना है, ड्राइवर क्वालकम के डाउनलोड करना है, और हमारे को फिर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जो टूल आपके पास है वो यूज़ कर सकते हो। मैं आपको कुछ टूल बता देता हूँ जो इसमें यूज़ होते हैं, जैसे UMT अगर आप यूज़ करते हो तो UMT क्यूसीफायर यूज़ करना है। अगर आप अनलॉक टूल से कर रहे हो तो सिंपली अनलॉक टूल डाउनलोड करके क्वालकम के सेक्शन में जाके आप फ्लैशिंग कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। उसका एक फ्री टूल भी आता है क्वालकम QFIL करके, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको दो दो CPU की तो डिटेल बता दिए जो हमारे पास अवेलेबल थे, जिसकी डिटेल थी वो आपको बता दिए। अगर आपके पास इसमें और भी आता है, जैसे स्पेक्ट्रम का फ़ोन आ गया, तो हमें जो टूल है स्पेक्ट्रम के यूज़ करना पड़ेंगे, ड्राइवर स्पेक्ट्रम के यूज़ करना पड़ेंगे। मींस आपको जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सारी चीज़ें करनी है, वो आपको CPU को देख के करनी है। आपको ऐसा नहीं कि मेरे पास ओप्पो का मॉडल आ गया, वीवो का मॉडल आ गया, सैमसंग का मॉडल आ गया, तो मैं अलग एक टूल डाउनलोड करूँ, ब्रांड वाइज सर्च करूँ। आपको ब्रांड से नहीं चलना है, आपको चलना है CPU से। मैं आपको डबल से बता रहा हूँ कि आपको ब्रांड वाइज नहीं चलना है, आपको CPU से चलना है। तो आप जैसा देख सकते हैं ये स्पेक्ट्रम CPU है। तो स्पेक्ट्रम CPU के लिए हमें स्पेक्ट्रम टूल्स, स्पेक्ट्रम ड्राइवर यूज़ करना होंगे। देन ये सैमसंग का CPU है, तो हमें सैमसंग के टूल्स, सैमसंग के ड्राइवर यूज़ करना होंगे। और अगर आपके पास सैमसंग है तो आप यूज़ करेंगे ओडिन जो टूल है वो सैमसंग में यूज़ होता है। ये एक्चुअली जो सैमसंग फ्लैशिंग होती है उसमें कोई सा भी CPU आपको ओडिन ही यूज़ करना है। सैमसंग का एक एक्सेप्शनल केस होता है कि आप जो सैमसंग के फ़ोन्स रहते हैं उसमें आप थर्ड पार्टी ऐप से फ्लैशिंग नहीं कर सकते। जैसे कोई भी प्रोसेसर हो, उसमें कोई भी प्रोसेसर मैटर नहीं करता, आपके पास ऑडिन होना चाहिए, तो आप उसमें फ्लैशिंग कर सकते हो। तो आज की इस आपकी वीडियो में इतना ही, और मैं आपको कुछ ऐसे टेलीकॉम के बारे में बताना चाहूँगा। ऐसे टेलीकॉम इंडिया का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हमेशा प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करता है। वो ऐसा नहीं है कि आपको जो थ्योरी का ज्ञान दे दिया आपको, बस 3 घंटे 4 घंटे थ्योरी पढ़ा दी और फिर बोल दिया कि आप घर जाओ। हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल थ्योरी क्लास होती है, एंड उसके साथ ही साथ सेम डे में आपको प्रैक्टिकल भी करा के देते हैं। और ऐसा नहीं कि आपको प्रैक्टिकल 2-3 घंटे का दे दिया, हमारी जो प्रैक्टिकल क्लास रहती है वो 14 आवर्स की रहती है। हम Day 4 में CPU स्टूडेंट से रिवॉल्व करवा देते हैं, जिसने CPU को आज तक हाथ से लगाया। तो अगर आप भी इतना प्रो स्किल का लेवल सीखना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, और एक्सपर्ट ही नहीं, और हम तो इवन बोलते हैं कि आप स्टूडेंट नहीं, टेक्नीशियन नहीं, आप टीचर बन के जाइए। तो ऐसा अपनी एबिलिटी करने के लिए, अपनों को उस लायक बनाने के लिए आज ही ज्वाइन करें ऐसे टेलीकॉम मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आप आज ही कॉल करें 7000731192, MD सर को कॉल कीजिए और आज ही अपना एडमिशन करवाइए। तो जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे आप कुछ देख पा रहे होंगे कि जो पर्सन फोटो में खड़े हैं वो डिसेबल है, तो मतलब जो काम नहीं कर पा रहे थे, जो मतलब हार के बैठ गए थे, उनकी डिसेबिलिटीज से आज ऐसे टेलीकॉम ने उनको काबिल बना दिया, उनके पैरों पे खड़ा कर दिया। उनके पैरों पे फिजिकली तो खड़े नहीं है, हमको मेंटली उनके पैरों पे खड़ा कर दिया है। मतलब उनको उस लायक बना दिया कि किसी से उनको वो मांग के काम नहीं करना पड़े, अपना खुद काम करना पड़े। तो थैंक यू टीम एशिया टेलीकॉम। सर कैसा था, थोड़ा ना मेरा स्पीच।